हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी वीडियोस मैंने अपलोड करी है, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी। आर्मी पब्लिक स्कूल के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसे जाकर एक बार जरूर चेकआउट कर लें। एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपको आइडिया लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, NCF और राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE 2009 के ऊपर मैंने दो वीडियो अपलोड करी है, तो उसे जाकर जरूर चेकआउट कर लें। ये NCF की दूसरी वीडियो है, अगर आपको इसकी पार्ट थर्ड भी चाहिए होगा तो नीचे पार्ट थर्ड जरूर कमेंट कीजिएगा, तो इसके ऊपर एक और वीडियो मैं बना दूंगा। देखिए, पहले वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, चिल्ड्रेन जो है वो कैसा लर्नर होता है। मैं देखिए कुछ चीज़ें आपको बता दूं, जिसको देखते ही आप उस ऑप्शन के साथ कभी मत जाओगे। जैसे पैसिव लर्निंग की बात जहां पे भी होगी, जहां पे भी आपको दिखेगा पैसिव इनएक्टिव लर्निंग, वहां से आपको जो है उस ऑप्शन को छूना नहीं है, उस ऑप्शन से दूर भागना है। पैसिव लर्निंग नहीं होगी, इनएक्टिव लर्निंग नहीं होगी, रोट लर्निंग नहीं होगी, इन चीज़ों के मेमोराइजेशन वाले वर्ड से, स्टैंडर्डलाइज टेस्ट से, एग्जामिनेशन से, बुक से, इन सब चीज़ों से दूर भागना है आपको। NCF की ये बातें हैं जो मैंने आपको बताई। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे पैसिव दिख गया ना आपको, ये देखिए नेगेटिव वर्ड दिख गया, नेगेटिव आपसे पूछा नहीं गया तो पहला वाला ऑप्शन तो होने से रहा। डोंट हैव द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर लर्निंग, देखिए NCF बोलता है, देखो डोंट यहाँ पे बोला गया है कि उसकी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो रेगुलेट कर पाए अपने लर्निंग को। जैसे कोई बच्चा अगर 20 तक के टेबल को याद कर जाता है, याद करना नेगेटिव टर्म है, बट मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, अगर उसे ए से जेड तक लिखना आ जाता है या फिर ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल अगर उसे लिखना आ जाता है जेड तक, वो अगर अपने किसी दोस्त को या फिर अपने किसी रिलेटिव को या फिर अपने माँ बाप से या फिर टीचर से जो है इन चीज़ों को शेयर कर पाता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें सीखने में आ गई है, मैं इसे लिख सकता हूँ, तो उसे ही बोलते हैं रेगुलेट करना। तो ये आना जरूरी है, यहाँ पे लिख दिया डोंट हैव, तो ये भी आपका नेगेटिव टर्म हो गया। तीसरा देखो, लर्न बेस्ट थिंग थ्रू द मेमोराइजेशन, मैंने भी आपको बताया रोट लर्निंग मेमोराइजेशन, इन चीज़ों से आपको दूर भागना है। तीनों ऑप्शन आपका नेगेटिव हो गया, तीनों ऑप्शन के साथ नहीं जाना है, चौथा आंसर आपका करेक्ट है। देखिए प्ले एक्टिव रोल, मैंने क्या बताया था, एक्टिव जहां दिखे उस ऑप्शन के साथ आपको जुड़ जाना है। एक्टिव लर्निंग या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म, इस पे आपको जो है आगे बढ़ना है। मेरे जीभ के जो सबसे पॉइंट वाला जगह होता है जहां से टीथ को टच किया जाता है, वहां पे छोटा सा घाव हो गया है, तो इसलिए प्रोनंसिएशन में बहुत मुझे दिक्कत आ रही है, सॉरी फॉर दैट। बट फिलहाल मैं आंसर आपको बता दूं, वन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पे जब भी देखो एक्टिव रोल दिखे, आपको नॉलेज के बारे में दिखे, तो सही इन्फॉर्मेशन 4 के साथ ही आपको जाना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। वाई, देखो कॉन्सेप्चुलाइजेशन की बात की जा रही है टीचिंग लर्निंग में, यानी कि पढ़ाने और सिखाने के दौरान जो है कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है। नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है ये किस पे इंपॉर्टेंट डालता है, ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन यानी कि उत्तेजना, ये तो बात होती नहीं है पढ़ाई लिखाई में, कभी भी गुस्से की बात आ जाए तो ये होगा नहीं। रोट मेमोराइजेशन मैंने अभी आपको बताया नहीं आपको इसके साथ जाना है। ड्रिल और रिपीट, देखो रिपीट करना मतलब रटना ही होता है, किसी चीज को बार बार कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप सीख जा रहे हो, नहीं ये आप लर्न कर रहे हो, स्किल आपकी नहीं आएगी। तीनों ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जहां भी दिखे एक्टिव इंगेजमेंट इंटरेक्शन, यहाँ पे इंटरेक्शन टीचर के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे टीचिंग भी हो रही है लर्निंग भी हो रही है, तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फॉर्म, यहाँ पे बात की जा रही है कि अंडरस्टैंडिंग फॉर्म जो है NCF का वो क्या है, कॉग्निटिव थ्योरीज है, ह्यूमैनिटीज़म है, या बिहेवियर है, या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म है। देखिए जिन्होंने नोट्स परचेज किया उनको पता होगा कि मैंने यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया है नोट्स में कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो है उसमें जो है NCF जो है अंडरस्टैंडिंग का सबसे बेस्ट फॉर्म मानता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बाय द वे जिन्होंने नोट्स परचेज नहीं किया है अभी ऐड दाता बता देता हूं आप लोगों को, फिर बाद में आपको देखने को ये ऐड नहीं मिलेगा। 499 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर ले, और इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहां पे जो है आपको 499 में हैंड रिटन नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ₹100 में आप ये पेपर एक्वायर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to NCF 2005, errors are, देखिए आपको लग रहा होगा कि एरर बहुत बुरी बात है, बिल्कुल नहीं। एरर करना का मतलब होता है लर्निंग करने के प्रोसेस में बच्चा है, यानी कि वो गलतियां कर रहा है, दैट मीन्स वो सीखने की कोशिश कर रहा है, तो एरर जो है NCF ने बहुत ही इसे जो है इंपॉर्टेंट माना है। बच्चे के अंदर अगर मिसकॉन्सेप्शन है, अगर बच्चा जो है किसी चीज़ को सीख रहा है और कुछ गड़बड़ियां उसके अंदर आ रही है, ये भी अच्छी बात है, तभी आप
इससे ये पता चल रहा है कि बच्चा किसी चीज को सीख पा रहा है, लर्निंग उसके अंदर हो रही है। तो एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं ना हम लोग बोलचाल की भाषा में, गिरना बहुत जरूरी है दौड़ने के लिए, चलने के लिए। तो गिरना जो है यहाँ पे एरर है आपका। चलिए अब ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसे जो है इंपॉर्टेंट टूल माना गया है बहुत, लेकिन देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टूल माना गया, लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बात करी है, स्टूडेंट को ग्रुप में जो है पास और फेल में डिवाइड कर देना। कभी भी याद रखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन का भी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, एनसीएफ का, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि कभी भी आपको जो है ग्रुप में डिवाइड करने वाली बात जब भी है कि ग्रुप में रखना है, अलग थलग कर देना है, नहीं, हर बच्चे को एक ही क्लास में रखकर सिखाना है, चाहे वो बच्चे थोड़े आईक्यू उनकी कम हो या ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बच्चे स्पेशल एबिलिटी वाले हैं, जिसे आप विकलांग बोलते हो, दिव्यांग बोलते हो, उन्हें भी आपको एक ही साथ पढ़ाना है। दैट मीन्स ये इसी को इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। प्रोवाइड अ वे टू टीचर्स टू स्कॉल द चिल्ड्रेन। देखिए बच्चे को डांटने की बात आ रही है, और मैंने एनसीएफ 2005 में ये बात बताई कि आपको जो है पनिशमेंट जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देना है, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो। नोट्स में मैंने ये बातें लिख दी है, जिनके पास होगा एक बार पलट लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। प्रोवाइड एन इनसाइड इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प द आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन। देखिए ये बहुत अच्छी बात कही है, इनसाइड वाली बात जब भी आए, बच्चे के अंदर थिंकिंग जब भी आए, तो ये सारी चीजें जो है पॉजिटिव जाती है, याद रखिएगा। तो ये आंसर सही होगा। फिलहाल हम लोग फोर को भी पढ़ेंगे। फोर ऑप्शन क्या है, प्रोवाइड स्पेस फॉर द रिमूविंग। देखो जब भी बात रिमूव किया जाए, ओनली किया जाए कि इन्हीं को पढ़ाएंगे, ओनली वाली बात जब भी आए, रिमूव की बात आ जाए कि किसी बच्चे को क्लास से हटा देंगे तो और बच्चे सीख पाएंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन थर्ड आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये जो ऑप्शन है ना, ये इंक्लूसिव एजुकेशन में भी आपको जो है ऑप्शन ऐसा ही देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, लर्निंग क्या है और इसका कैरेक्टर क्या है। यहाँ पे दो बातें कही गई है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग क्या है और कैरेक्टर क्या है। तो देखिए कभी भी मैंने कहा आपको कि पैसिव होगा, तो पैसिव वाले ऑप्शन को कट कर दो आप। चलिए दो जगह है, एक एक्टिव है और इसका कैरेक्टर सोशल होगा, नहीं, लर्निंग हमेशा एक्टिव होता है और वो सिंपल होता है। सिंपल से हम लोग कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ते हैं और कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर बढ़ते हैं, यानी कि आप किसी चीज को देख लेते हो मूर्त रूप में, यानी कि कॉन्क्रीट रूप में, जो कि सामने में, जैसे पेड़ पहाड़ या फिर बर्ड्स एनिमल हो गए, इसे आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप उसे नहीं देख रहे हो तो भी आप याद करो तो आपको बर्ड्स दिखाई पड़ेंगे अपने दिमाग में, वो चल रहा होगा इमेज, उसे जो है हम लोग बोलते हैं, उसे जो है एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। थोड़ी सी टंग में प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज़ जो है थोड़ी बहुत अप डाउन हो रही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 का 4 इज द राइट आंसर। एक्सक्यूज नहीं करना है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली रिप्रेजेंट 4 ऑफ द 6 थीम। देखिए ईबीएस में आप लोगों ने 6 थीम को पढ़ा होगा, सीटेट अगर दिया है आप लोगों ने, तो 6 थीम होते हैं। 6 थीम क्या क्या होते हैं पहले वो आप जान लो। सबसे पहले क्या होता है, 6 थीम की अगर हम लोग बात कर लें तो 6 थीम में देखो सबसे पहले फैमिली आएगी, अच्छी बात है। फैमिली के बाद फैमिली एंड फ्रेंड इसी में है। इसके बाद फिर क्या आएगा, फूड आएगा, फिर वाटर आएगा, फिर ट्रैवल आएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में थिंग्स वी मेक एंड ट्राई वाली बात आती है, जो चीज़ें हम लोग बनाते हैं। फिर शेल्टर भी आता है, शेल्टर यानी कि आपके रहने का घर। दैट मीन्स ये 6 थीम है। अब देखिए इनमें से 4 थीम कौन कौन सा है, प्लानेट, देखिए एनिमल के बारे में अलग से हम लोग नहीं पढ़ते, ये ऑप्शन कट गया आपका। थिंग्स वी मेक एंड डू ये पढ़ते हैं, फूड मटेरियल, फूड पढ़ते हैं लेकिन मटेरियल नहीं पढ़ते हैं, ये भी आपका ऑप्शन कट गया। वर्क एंड प्ले नहीं पढ़ते हैं, वर्क एंड प्ले जो है आपके फैमिली और फ्रेंड में ही आ जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, 2 करेक्ट हो जाएगा, 2 के साथ आपको आगे जाना था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट सिलेबस ऑफ ईबीएस। ईबीएस यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस के बारे में क्या बातें सही बताई गई है वो आपको बताना है। तो देखिए EBS सिलेबस जो है, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ी सी जो है डिस्कशन कर लेते हैं। EBS जो है इसमें आपको साइंस भी मिलेगा, SST के भी जो है आपको बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेगा, और जो मॉरल है थोड़ी सी मॉरल नॉलेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। EBS की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जैसे कि आप अगर ट्रैफिक रूल पढ़ रहे हो तो ये क्या है, मॉरल है कि आपको है पनिशमेंट हो जाएगी अगर आप रूल ब्रेक करोगे या फिर रूल फॉलो करोगे, तो ये भी मॉरलिटी के अंदर आता है। यानी कि EBS में आप क्या पढ़ते हो, साइंस भी पढ़ लेते हो, EBS भी पढ़ लेते हो और मॉरल साइंस भी, बट मॉरल आप नहीं भी बोलेंगे तो काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पे बात की गई है सोशल साइंस और साइंस की। EBS इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब दोनों चीज़ों को ऐड करना। इन्वायरमेंटल एजुकेशन में जो है सोशल साइंस और साइंस को ऐड करने की बात कही गई है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 ही इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन ऐसा कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, यहाँ भी देख लो इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात की गई है, यहाँ भी इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात कही गई
गई है, जो कि सही नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेबस जो है साइंस और सोशल साइंस की बात करता है, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीएफ 2005 फॉर द ईवीएस लर्निंग। जो रिकमेंडेशन कर रहा है कौन कर रहा है, एनसीएफ ईवीएस लर्निंग के लिए, ईवीएस सीखने के लिए कौन से रिकमेंडेशन को ईवीएस जो है सजेस्ट करता है। चलिए एक एक करके ऑप्शंस को पढ़ेंगे, जो नेगेटिव है उसे एन लिखेंगे, जो पॉजिटिव है उसे पी लिखेंगे। सबसे पहले देखो चौथे के साथ स्टार्ट करते हैं, फोर्थ नंबर के साथ। चिल्ड्रेंस लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक टू देयर, देखो जब भी एक्टिव लर्निंग या फिर रियल लाइफ से, रियल वर्ल्ड से जो है चीजों को सीखने की बात की जाए, सिर्फ स्कूल में बच्चा नहीं सीखता है, स्कूल के आउटसाइड भी सीखता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ये यानी कि क्या हो गया, पहला डी पॉजिटिव हो गया। तीसरे के साथ बढ़ते हैं, डिपार्चर फ्रॉम बुकिश लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। आपको डिपार्चर मतलब बुकिश लैंग्वेज, जो बुकिश लर्निंग है यानी कि सिर्फ बुक से पढ़ना है, उससे बचना है आपको। बुक से तो सीखते ही हैं, लेकिन बुक से ज़्यादा जो चीज़ें हैं आप अपने इन्वायरमेंट, अपने इकोसिस्टम से सीखते हो, जो इकोलॉजी में आप रह रहे हो वहाँ से चीज़ों को सीखते हो, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरे के साथ बढ़ते हैं, डिस्करेज रोट लर्निंग, बिल्कुल सही जवाब है, ये भी आपका पॉजिटिव है। रोट लर्निंग को डिस्करेज करने की बात की गई, देखिए जब भी आपको रोट लर्निंग दिखे बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिस्करेज करके इस बात को जो है इन्होंने पॉजिटिव में बदल दिया। देखिए हैविंग शार्प बाउंड्रीज अमंग स्कूल, देखिए बाउंड्रीज की बात जहाँ भी की जाए ना उससे आपको बचना है, कि बच्चा को स्कूल, होम और कम्युनिटी में जो है एक बाउंड्री दे दी जाए, बिल्कुल गलत बात है। तीनों का इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है, तभी बच्चा सीख पाता है। कुछ चीज़ें वो स्कूल से सीखेगा, कुछ अपने माँ पिताजी से सीखेगा, कुछ अपने आसपास में कल्चरल इवेंट में जाकर चीज़ें सीखेगा, बड़ों के सामने कुर्सी पे नहीं बैठना है, अगर वो आ जाते हैं तो उनको कुर्सी ऑफर करनी है, दैट्स ये चीज़ें आप जो है कम्युनिटी से सीखते हो। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात की गई है कि ये करना है, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, नेगेटिव है, यानी कि ये ए बी सी डी और यहाँ से देखो आंसर आपका 4 हो जाएगा करेक्ट, ये तीनों ऑप्शन क्या है सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एज पर एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट अ प्राइमरी लेवल। ईवीएस का जो है ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ईवीएस क्यों पढ़ते हैं, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी आए, ठीक बात है, और बच्चा जो है जेंडर बायसनेस के प्रति जो है वो समाज में जो कन्वेंशन चीज़ें हैं उससे बचने की कोशिश करे, यानी कि बच्चा जो है लड़की को कमज़ोर ना समझे, कि लड़कियां जो है आगे नहीं बढ़ सकती है, जो रूढ़िवादी चीज़ें होती है ना, कंजर्वेटिव, ये बोलना चाह रहा था मैं, फाइनली ये वर्ड आ गया, कंजर्वेटिव वाली चीज़ों से आपको बचना है। तो देखिए यहाँ पे जब आप ईवीएस के बुक पढ़ोगे, क्लास 3-4-5 के बच्चों के बुक पढ़ोगे, उसमें देखिए बहुत सारे जो फीमेल एथलीट हैं उनके बारे में बताया गया है, बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, कल्पना चावला के बारे में बताया गया है, सुनीता विलियम्स के बारे में बताया गया है। दैट मीन्स कि आप जो है बच्चे को क्रिटिकली एड्रेस करने का मौका देते हो, कि लड़कियां भी जो है स्पेस जा सकती है, स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकती है, एथलीट बन सकती है, और मैथमेटिक्स, म्यूजिक, किसी भी क्षेत्र में जो है फील्ड में जा सकती है, लड़के भी जा सकते हैं, लड़कियां भी जा सकती है। तो ये क्रिटिकल एड्रेस है जेंडर कंसर्न्स को लेकर, यहाँ पे एम है बट एन से समझना आप, ये जो है ये बातें सही है। तो 9 का जो आंसर होगा वो ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब बी सी डी को भी हम लोग जो है एलिमिनेट कर लेते हैं। टू डेवलप द मेमोराइजेशन स्किल, देखो जब भी मेमोरी आए हट जाना है आपको, दूर भागना है। अब यहाँ पे देखिए इम्फेसाइज करने की बात की जा रही है, कि डिस्क्रिप्शन ऑफ लर्निंग ऑफ प्राइमरी लेवल, देखिए सिर्फ जो है ईवीएस जो है प्राइमरी लेवल पे पढ़ाना है, पढ़ाना क्यों है नहीं पता, आगे बढ़ जाइए इसे कट कर दीजिए। टू रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल द एनवायरमेंटल इशू ऑफ अ प्राइमरी कंसर्न, ये भी बात जो है प्राइमरी लेवल पे जो है ये बातें नहीं आती है। सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए, जहाँ पे जेंडर बायसनेस को उसे खत्म करने की बात की जाती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एज पर एनसीएफ फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब ईवीएस लर्निंग, ईवीएस लर्निंग की बात की जा रही है स्टेटमेंट में, अच्छी बात है। अब कौन कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है देख लेते हैं एक एक करके। पहले डी के साथ, एक्टिव कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज बाय लर्नर, बिल्कुल सही, डी तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ही होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात हो रही है तो ये होगा ही होगा। अब देखिए कौन और होगा वो देख लेते हैं, सी को देख लेते हैं, रिसीविंग इन्फॉर्मेशन विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड, देखिए इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपको पता चल जाए कि आज जो है क्रिकेट का मैच होने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, इससे ये नहीं पता चलता कि आप क्रिकेट के बारे में जानते हो, कितने प्लेयर होते हैं, कितने अंपायर होते हैं, कितने ओवर का मैच होता है, T20, ODI या फिर टेस्ट मैच क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं है, ये बात रॉन्ग हो गई। शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड स्किल अमंग लर्नर, बिल्कुल सही बात है, हम लोग ईवीएस इसीलिए पढ़ते हैं ताकि बच्चा के अंदर आइडिया और स्किल डेवलप हो। स्किल का मतलब अगर वो प्लांटेशन करना चाहता है तो उसके अंदर स्किल आ जाए कि प्लांटेशन करने के क्या क्या प्रोसेस हैं, बहुत अच्छी बात है, ये भी सही है।
ऑप्शन नंबर ए को देख लो, एक्विजिशन ऑफ अ नॉलेज एंड स्किल फ्रॉम द ईवीएस। बिल्कुल सही बात है, नॉलेज भी हम लोग लेते हैं और स्किल भी लेते हैं ईवीएस पढ़ने के बाद। तो ऑप्शन ए बी और डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ए बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचिंग। देखिए यहाँ पे नॉट को ध्यान में रखना, सारी बातें गड़बड़ हो जाएगी। प्राइमरी लेवल पे ईवीएस पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बात आपको बतानी है। चलिए देखते हैं। टू नर्च द क्यूरियोसिटी, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये तो पी होगा ही होगा। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे, क्रिएटिविटी पैदा करेंगे और बच्चा जो है इन्वायरमेंटल यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट से जो है रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाए, बहुत अच्छा है ये तो सही होगा। टू इंगेज द चिल्ड्रेन इन, देखो जब भी एक्सप्लोर करने की बात आए, एक्टिविटी करने की बात आए, बिल्कुल सही होगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखो, टू ट्रेन चिल्ड्रेन टू लोकेट एंड कॉम्प्रीहेंस रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर सोशल एंड, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट हमारे लिए लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चा जो है इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहा है, कॉम्प्रीहेंस कर पा रहा है, सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर फोर को भी देख लेते हैं, ये तीनों पॉजिटिव है लेकिन हमें नेगेटिव ढूंढना है, इस बात को याद रखिएगा। टू डेवलप प्रिसाइज, गड़बड़ हो गई बात, जब भी बात आ जाए प्रिसाइज की, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, जैसे इनएक्टिव या फिर डिक्टेटरशिप या फिर क्लास में रोट लर्निंग, ड्रिल मेथड, प्रैक्टिस मेथड, ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग है। लेकिन आपको नॉट पूछा गया तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, द प्लेस ऑफ अ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन अ करिकुलम फ्रेमवर्क इज पोजिशन ऑन ट्विन कंसर्न। देखिए बात की जा रही है एनसीएफ 2005 की, मैथमेटिक्स एजुकेशन को लेकर इनका दो जो कंसर्न है वो क्या है, ये हम लोग देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। व्हाट मैथमेटिक्स एजुकेशन कैन डू इंगेज द माइंड ऑफ एवरी स्टूडेंट एंड हाउ इट स्ट्रेंथ द स्टूडेंट्स रिसोर्सेज, बहुत अच्छी बात है, ये सही जवाब है। देखिए क्यों, बच्चे को आपको इंगेज करना है, इंगेजमेंट वाली बात जब भी आए वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। आगे देखिए, बच्चे को रिसोर्सेज को स्ट्रेंथ करना, बच्चा जो है हो सकता है कि कोई भी क्रिकेट खेल रहा है, मैच खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, हॉकी, बैडमिंटन, कुछ भी खेल रहा है, वहाँ पे जो है इसे यूज कर पाए, तो ये ऑप्शन तो सही होगा। आगे देख लेते हैं। व्हाट मैथमेटिक्स एजुकेशन डू टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल मैथमेटिक्स तो नहीं सिखाता, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। व्हाट मैथमेटिक्स एजुकेशन डू टू कंट्रोल द ड्रॉप आउट, देखिए ड्रॉप आउट मैथमेटिक्स नहीं करने वाला है या कंट्रोल नहीं करने वाला, ये तो इनकरेक्ट है, ऐसा कोई मैथमेटिक्स पढ़ाने का रीजन नहीं है। व्हाट मैथमेटिक्स एजुकेशन डू टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर ओलंपियाड, देखो जब भी एजुकेशन को जो है किसी को जॉब दिलाने की बात करता हो, हायर जो है और भी आगे पढ़ने की बात करता हो, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे पढ़ने की बात करता हो, वो इनकरेक्ट होता है, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आपको जाना था, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, स्कूल मैथमेटिक्स मस्ट बी टेक प्लेस इन अ सिचुएशन वेयर स्टूडेंट्स, देखिए क्या बातें कही गई है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की जा रही है, जो स्कूल मैथमेटिक्स है वो कैसा होना चाहिए सिचुएशन बेस्ड पे, जहाँ पे स्टूडेंट क्या करें, देख लेते हैं एक करके। रियलाइज मैथमेटिक्स एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल सही बात है, जब भी ये मैथमेटिक्स की बात की जाएगी तो लाइफ एक्सपीरियंस में, अगर वो केला ले जाता है तो केले को गिन सकता है, बनाना को गिन सकता है, सेब लेने जाता है तो गिन पाएगा कि 1 kg मैंने खरीदा, 2 kg खरीदा, लीटर लेने के दूध लेने के लिए जा रहा है तो वो लीटर में मेजरमेंट सीख पाएगा, या फिर अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो डिस्टेंस को जो है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वो चीज़ों को समझ पाए, तो यही तो लाइफ एक्सपीरियंस है, बिल्कुल सही बात है। रियलाइज मैथमेटिक्स एज अ पार्ट ऑफ स्कूल लाइफ, नहीं, स्कूल लाइफ तक मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स आपके चारों ओर है, ईच एंड एवरीवेयर मैथमेटिक्स आपको मिलेगा, ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। मेमोराइजेशन की बात आ रही है, कट कर दो इसे आप, देखो कन्वर्जेंट थिंकिंग टू सॉल्व, देखो जब भी कॉन्टेक्स्ट की बात आ जाए कि सिर्फ एक मैथमेटिक्स दे दिया गया उसे आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा मैथमेटिशियन नहीं बन सकते हो, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप करना इंपॉर्टेंट है, ना कि मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। एज पर एनसीएफ 2005, वन मेन गोल ऑफ अ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन स्कूल इज टू, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो है मेन गोल क्या है मैथमेटिक्स एजुकेशन का, डेवलप न्यूमेरिकसी स्किल, नहीं ये तो नहीं है कि न्यूमेरिकल बच्चा बना ले तो ये बहुत तेज हो जाएगा, नहीं ये बात तो नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, नहीं ये भी बात नहीं कही जाती है। मैथमेटिक्स का कहने का मतलब है बच्चा जो है मैथमेटिक्स की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो उसके अंदर आ सके, थॉट प्रोसेस में आ सके।
नेचर एनालिटिक एबिलिटी, ये भी नहीं होगा। देखिए मैंने क्या कहा बार बार आपको कि वो जो है थॉट प्रोसेस को ठीक कर सके। मैथमेटिक्स का यही मतलब होता है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर किसी को पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो उसके माइंड में चल पाए कि कैसे कैसे पुल बनाया जाए, या फिर घर बनने पर पहले किचन कहाँ रहेगा, बाथरूम कहाँ बनेगा, हॉल कहाँ बनेगा और बालकनी कहाँ पे बनेगा, ये जो है थॉट प्रोसेस के द्वारा ही सॉल्व किया जा सकता है। इसका सही जवाब 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एज पर एनसीएफ 2005 द गोल ऑफ अ मैथमेटिक्स टीचिंग इन स्कूल कैरिकुलम इज दैट चिल्ड्रन लर्न इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स। देखिए जो मैथमेटिक्स वो सीखता है, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, मेन गोल क्या है मैथमेटिक्स का, तो देखिए एक एक करके हम लोग सारी चीजों को देख लेंगे। पहले 4 ऑप्शन के साथ बढ़ते हैं। नोइंग मैथमेटिक्स प्रोसीजर्स एंड एल्गोरिज्म, बिल्कुल नहीं। मैथमेटिक्स प्रोसेस सीखने, अगर आपको मैथमेटिक्स प्रोसेस आता है इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथमेटिक्स जानते हो, ये तो इनकरेक्ट होगा। वेरीफाइंग ज्योमेट्रिकल थ्योरी इन मैथ लैब, नहीं। अगर आप ज्योमेट्री लैब में जाकर ही सिर्फ मैथ्स को सॉल्व कर पा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। गेम और पजल सॉल्व कर रहे हो, ये भी सही बात नहीं है। पहला ऑप्शन देख लो। मैथमेटिक्स टेक्निक की बात की जा रही है, अंडरस्टैंडिंग द appropriate use of learned mathematics technique, आपने किसी चीज को सीखा उसे अप्लाई करके यूज कर रहे हो अपने रियल लाइफ में, दैट्स मैटर मोस्ट। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एज पर एनसीएफ 2005 मैथमेटिक्स करिकुलम इज एम्बिशियस, देखिए मैथमेटिक्स जो करिकुलम है वो एम्बिशियस है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या बात की जा रही है, कोहेरेंट टीचर्स इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स हियर एम्बिशियस रेफर, मैथमेटिक्स का जो करिकुलम है वो रेफर करता है किस बात को रेफर करता है, नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल, बिल्कुल सही। आपको लग रहा होगा कि ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए नैरो एम का मतलब है कि बच्चा को काउंटिंग आ जाए एटलीस्ट मैथमेटिक्स में, बच्चे को प्लस माइनस करने के लिए आ जाए, मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए, रियल लाइफ में वो जो है सर्वाइव कर पाए मैथमेटिक्स का, ये मिनिमम जो है ऑब्जेक्टिव है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए के साथ आपको जाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट, ये नहीं होगा। वेट, सीख हायर एम ऑफ अ टीचिंग, जी हाँ देखो ये होगा। देखिए ये तो सही बात, ये जो बातें मैंने आपको बताई इसका मतलब ये होता है कि बच्चे के अंदर मिनिमम तो इन्फॉर्मेशन आ सके, हायर एम का मतलब होता है कि वो उसे रियल लाइफ में इम्प्लाय जो है यूज कर पाए। तो ये इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, 1 नहीं होगा। आगे जो है देखेंगे उसमें इसको जो है आप समझ पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइन विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग मैथमेटिक्स फॉर ऑल, मैथमेटिक्स का जो ऑल, ये बात मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को समझा दिया। मैथमेटिक्स फॉर ऑल का मतलब होता है कि एटलीस्ट नैरो चीजें जो है बच्चों को समझ में आए, कम चीजें जो एटलीस्ट जो है जो एक स्टैंडर्ड है। देखिए ये नेगेटिव वर्ड है स्टैंडर्ड, बट कुछ चीजें जैसे कि प्लस माइनस बेसिक्स अगर मैं बोलूं तो ये ज्यादा बेटर वर्ड होगा इसके लिए, स्टैंडर्ड नहीं बेसिक बोलूंगा। तो बेसिक चीजें जो है बच्चे को पता होनी चाहिए। तो देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम अ डिफरेंट रीजन डिफरेंट सोशल ग्रुप शुड बी हाईलाइटेड, यानी कि सभी लोगों को लाया जाए। देखिए टेक्स्ट बुक की बात की जा रही है, नहीं ओनली की बात की जा रही है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। नो इट शुड बी एक्नॉलेज दैट मैथमेटिक्स इज मीन टू सेलेक्ट अ फ्यू स्टूडेंट, देखिए फ्यू स्टूडेंट का मतलब हो गया इंक्लूसिव एजुकेशन को इंसल्ट करना। अब यहां से देखो केवल टैलेंटेड बच्चों को ही ग्रूम किया जाए, ये भी इनकरेक्ट है, यानी कि आपको इंक्लूसिव एजुकेशन को हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 द गोल ऑफ अ मैथमेटिक्स टीचिंग इन स्कूल करिकुलम इज दैट चिल्ड्रेन लर्न इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स, जो इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स चीजें सीखता है, इसका क्या मतलब है यहाँ पे। तो देखिए एक एक करके सब ऑप्शन देखते हैं। दोज कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक शुड बी कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स दैट टर्न आउट, देखो इंप्लॉयबल की बात की जा रही है, नौकरी देने की बात की जा रही है, बचना है आपको इन सारे ऑप्शन से। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, स्टूडेंट को कंसीडर किया जा रहा है कि वो सॉल्व कर पाए चीजों को, डेली लाइफ में यूज कर पाए, ये सही है। आगे देखिए एल्गोरिथम की बात की जा रही है, बचेंगे हम लोग। फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे किया जा रहा है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि थर्ड के साथ आपको जाना है। 18 का जो सही जवाब होगा वो थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो बातें कही गई है वो क्या है, यही ये वाला क्वेश्चन में बार बार जो है दिमाग में मेरे बैठा हुआ था। नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट स्कूल इज टू डेवलप न्यूमेरिकल स्किल, हायर एम इज टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी कि कम से कम जो है न्यूमेरिकल रिलेटेड 1, 2, 3 उसे जो है काउंट करना आता हो, ऐड करना आता हो, छोटे छोटे ऐड को सब्ट्रैक्ट करना आता हो, और हायर एम है कि अपने प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पाए। एनसीएफ का ये मेन रूल है, इसी क्वेश्चन को मैं बार बार बोल रहा था, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी नेसेसरली, ये गोल जो है मैथमेटिक्स का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पूछ लिया गया है मे नॉट, तो देखते हैं कौन सा आंसर इसका सही होगा। देखो हेल्पिंग ब्राइट स्टूडेंट टू पास
कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गलत हो गया। यहाँ पे जो है इंक्लूसिव एजुकेशन को इंसल्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट की बात की जा रही है। सारे ऑप्शन जो है करेक्ट होंगे, लेकिन आपको नॉट पूछा गया है तो फोर के साथ आप आगे बढ़ जाना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग एल्गोरिथम यूजिंग ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब होता है कि आप जो है ओवरऑल जो है किसी का डेवलपमेंट कर रहे हो। अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात यही होती है। तो देखते हैं, राउंडिंग ऑफ नंबर टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 इन ऑर्डर टू एड एंड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई ईटीसी। ये सबसे सही जवाब होगा। जब बच्चा जो है राउंड ऑफ करके चीजों को सीख पाए तो जो है वो सबसे ज्यादा जो है उसकी डेवलपमेंट होगी। इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। लो फाइनली इसका आंसर खत्म हो गया। आप लोगों को बता दूं 499 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो, या से मेरी ईमेल आईडी yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हो, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।